प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन में आज हम लोग एक है करेंगे कि मैथमेटिक्स सेक्शन की और प्रॉब्लम पिक करते हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है मेहता एंड हिज लेजीनेस। आइए इसको रीड आउट करते हैं। मेहता इज अ वेरी लेजी बॉय, ही ऑलवेज स्लीप्स इन मैथ्स क्लास। वन डे हिज टीचर कैचेस हिम स्लीपिंग एंड टेल हिम दैट शी वुड मार्क हिम एब्सेंट फॉर द होल सेमेस्टर। वाइल शी प्रिटेंड्स टू बी स्ट्रिक्ट, शी इज एक्चुअली वेरी काइंड हार्टेड, सो शी वॉन्ट्स टू गिव मेहता अ चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। शी गिव्स हिम अ प्रॉब्लम, इफ मेहता कैन आंसर इट करेक्टली शी विल फॉरगिव हिम। कैन यू हेल्प मेहता फाइंड द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम, द टीचर गिव्स मेहता अ नंबर एन एंड आस्क हिम टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एनी प्रॉपर डिवाइजर ऑफ एन वुड बी एन इवन परफेक्ट स्क्वायर। वुड बी एन इवन परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम अंडरलाइन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेहता को एन एक नंबर मिला हुआ है और मेहता को ये फाइंड करना है कि प्रॉपर डिवाइजर्स कौन कौन से हैं एन के, और क्या वो डिवाइजर जो है वो इवन परफेक्ट स्क्वायर है। इवन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे कि 4 एक इवन परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये इवन नहीं है तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। इसी तरह से 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि एक इवन नंबर है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इवन परफेक्ट स्क्वायर की हमें सर्च करना है और हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी किससे निकालना है? अगर हमारे पास किसी नंबर लेट से 8 है तो इसके जो प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे वो होंगे 1, 2 और 4, तो इनकी संख्या 3 है। और इसमें से ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और इवन है वो है 4, तो इसकी संख्या है 1। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हुई वो 1/3 हुई। तो इसमें पूछ रहा है कि इवन परफेक्ट स्क्वायर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जो कि डिवाइजर भी हो गिवन नंबर एन का। इसमें हम इनपुट फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। इनपुट फॉर्मेट कह रहा है कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स एन इंटीजर टी, द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। द टी लाइन्स फॉलो ईच लाइन कंटेनिंग एन द नंबर दैट द टीचर प्रोवाइड्स। द आउटपुट फॉर्मेट फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट इन न्यू लाइन द आउटपुट पी डिवाइडेड बाई क्यू फॉर्मेट वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स। इफ पी इज इक्वल टू जीरो, इफ पी इज जीरो यू शुड सिंपली आउटपुट जीरो। सो यहाँ पे एक चीज और है जो हमें नोटिस करनी चाहिए कि वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब क्या है कि अगर आप इसका जीसीडी लेंगे पी और क्यू का तो जीसीडी इसका आएगा 1। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इसको इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसके कंस्ट्रेंट्स को देख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट ये कह रहा है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू एन इज लेस देन और इक्वल टू 10^6। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो नंबर हम पिक कर रहे हैं वो 10^6 तक हो सकता है तो हमें जो सोल्यूशन जनरेट करना है वो मैक्सिमम एन लॉग एन टाइम में जनरेट करना है। हम एन स्क्वायर का सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एन स्क्वायर 10^12 होगा एंड दैट विल नॉट बी लेस देन 10^8। किसी भी सोल्यूशन को हमें 10^8 टाइम या उससे पहले जनरेट करना पड़ेगा। ओके, तो आइए इनके एग्जाम्पल्स, हमने 8 तो हमने ऑलरेडी ले ही लिया है। अब हम 36 वाला एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। जो 36 के डिवाइजर्स होंगे दैट विल बी इवन, 2, 4, 6, 9, 12 एंड 18। मेरे ख्याल से ये होंगे। आप और देखिए कि क्या इसके और कोई डिवाइजर्स पॉसिबल है। यस, इसका डिवाइजर एक 3 भी होगा। सो टोटल काउंट ऑफ डिवाइजर्स इसके हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनमें से ऐसा इवन नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो वो केवल 4 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 हो गया। 1 और 8, ये पी है और ये क्यू है, और इसका जब आप जीसीडी लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो कोई चिंता करने की इसमें जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल यहीं से पिक करते हैं। लेट से हमारा नंबर 2 है तो जो 2 के प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे वो केवल 1 होगा और 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता,
तो इसका मतलब क्या है कि जो पी की वैल्यू है दैट इज जीरो, तो हमारा आंसर जीरो आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जीरो है कि हमें डिवाइजर्स इसके मिले जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और इवन भी हो। इसी तरह से 900 का जो आंसर है वो 3/26 है। यहाँ ऐसा माना गया कि 26 जो है वो इसके डिवाइजर्स हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर्स इसके बीच में होंगे 900 के बीच में जो इसके डिवाइजर्स होंगे दैट विल बी 4, 16 एंड परहैप्स 100। यस, तो 4, 16 और 100 इसके डिवाइजर्स होंगे और जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं, इसलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/26 होगी। ओके, मान लीजिए कि हमारा जो पी है उसका जो काउंट आता है वो 4 है और जो क्यू है उसका जो काउंट है वो 72 है। तो उस केस में जो पी बाई क्यू का आंसर होगा वो 4/72 आप देंगे, लेकिन 4 और 72 का जो जीसीडी वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमें ये इंश्योर करना है कि 4/72 हमें आंसर ऐसा दे जिससे कि ये पी और इस क्यू का जो जीसीडी होगा वो 1 हो। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/18। सो 1/18 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 और 18 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं और इनका जो जीसीडी वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो ऐसा हम इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले आप जो पी और क्यू है इसका जीसीडी आप फाइंड कर लीजिए। तो पी हमारे लिए 4 है और जो क्यू है हमारा 72 है, तो आप एक जीसीडी फाइंड कर लीजिए लेट से 4 और 72 का। इसका जो जीसीडी आएगा उसको जी में स्टोर कर लीजिए। सो इसका जीसीडी आएगा 4। पहले आप पी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, देन क्यू को भी आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यूज आएंगी उसके हिसाब से जो पी बाई क्यू की हमें वैल्यू मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जो एक्सेप्टेबल है, या पी और क्यू का जो को प्राइम होगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। फाइन, आगे चलते हैं। इसका हम सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए हम एक एग्जाम्पल 36 का ही ले लेते हैं, और 36 के डिवाइजर्स को फाइंड करने के लिए हम इसके अंडर रूट एन तक इसके डिवाइजर्स या इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अंडर रूट 6 तक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा अंडर रूट 36 की वैल्यू हो जाएगी 6, और 6 तक हम सभी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से ये डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब है कि 2 इसका डिवाइजर है। और जब आप 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 आएगा, 18 भी इसका डिवाइजर होगा। इसके बाद आप 3 नंबर को पिक कर लीजिए और 3 से इसको देखिए डिवाइड हो रहा है क्या। यस, ये डिवाइड हो जा रहा है, तो 3 इसका प्राइम फैक्टर 3 इसका डिवाइजर हो गया। और 36 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो 12 भी इसका डिवाइजर हो जाएगा। फिर आपको 4 से इसको डिवाइड करके देखिए, यस डिवाइड हो जा रहा है, तो 4 भी डिवाइजर है और 9 भी इसका डिवाइजर है। उसके बाद हम 5 से डिवाइड करते हैं जो डिवाइड नहीं हो पाएगा, देन हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 हमारा इंक्लूड हो जाएगा इसमें इसके डिवाइजर्स में। लेकिन आप 36/6 करेंगे तो 6 अगेन आ जाएगा, तो 6 को 2 बार इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, 6 को आप केवल एक ही बार इसमें इंक्लूड कीजिए। कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसलिए हम 1 को भी डिवाइजर मानेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इसके डिवाइजर्स जो आ रहे हैं दोज आर इक्वल टू 8। तो हमने काउंटिंग कर ली कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो जा रहे हैं 36 से। ओके फाइन, इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि क्या इनके बीच में इनके बीच में जो नंबर है या जो हमें डिवाइजर्स मिल रहे हैं क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हैं क्या। तो जब हमने डिवाइजर्स फाइंड करने की कोशिश की तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे वो 2, 3, 4 और 6 से डिवाइड कर रहे थे। तो मान लीजिए हमने 2 नंबर को पिक किया, 2 हमारा डिवाइजर है, और अगर हमने ये देखा कि 2 × 2 भी n को या 36 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जैसे हम मान लें कि i की वैल्यू 2 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अपने नंबर को, तो हमने अगर ये देखा कि i मल्टीप्लाइड विथ i 36 को डिवाइड करता है, मतलब कि 36 मॉड i इंटू i, अगर ये वैल्यू हमारी 0 है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर है i इंटू i, और ये 36 को डिवाइड भी कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि ये जो नंबर है या जो हमारा
परफेक्ट स्क्वायर है वो इवन होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आई भी इवन होना चाहिए। तो जिनके लिए हमें चेक करना है वो होंगे 2 और 4 एंड 6, फाइन। तो 2 के लिए जब हमने चेक किया तो 2 into 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स की जो काउंटिंग है वो एक बढ़ गई। फिर इसके बाद जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 into 4 होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 16, और 16 36 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो काउंटिंग रही वो बनी रही। फिर 6 into 6 जो है वो भी डिवाइड कर, मैंने 6 into 6 तो डिवाइड करेगा ही करेगा 36 को, लेकिन हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है। ऐसा इसलिए है कि हमने जो डिवाइजर्स माने हैं या जो प्रॉपर डिवाइजर्स हमने माने हैं वो केवल 18 तक ही हो सकते हैं, 18 के बियॉन्ड हमारे प्रॉपर डिवाइजर्स नहीं हो सकते, 36 को एज ए डिवाइजर काउंट नहीं करेंगे। तो 3 कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम परफेक्ट स्क्वायर्स को इंक्लूड करेंगे। पहला तो ये है कि जो हमारा डिवाइजर है दैट शुड बी इवन। तो इवन कैसे हम टेस्ट करेंगे कि अगर आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये इवन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि आई इंटू आई जो हमारे हमारा होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन एन, लेस देन और इक्वल टू नहीं, लेस देन एन, क्योंकि 36 यार जो नंबर हमारा है अगर मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाता है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रॉपर डिवाइजर्स है वो केवल हाफ तक ही हो सकते हैं, हाफ के बियॉन्ड नहीं हो सकते। तो ये जो आई इंटू आई अगर इक्वल टू एन होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम मान रहे हैं कि वो नंबर भी अपने आप का डिवाइजर है, तो वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारी कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन ये हो गई, और तीसरी कंडीशन हम इम्प्लीमेंटेशन के समय देख लेंगे। आइए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरा फंक्शन है जिसमें मुझे अपना पार्ट लिखना है, तो सॉल्व फंक्शन है जिसमें एन वैल्यू गिवन है। हम मान लेते हैं कि डिवाइजर्स नाम का हमारे पास एक वेक्टर है जिसमें जितने भी डिवाइजर्स हमें मिलेंगे हम उसको स्टोर करा लेंगे। सबसे पहले उस डिवाइजर्स वाले में 1 को तो इंक्लूड कर ही लेते हैं, इसलिए हमने डिवाइजर्स डॉट पुशबैक 1 कर लिया, क्योंकि 1 हर एक नंबर का डिवाइजर होगा। फिर हमने स्क्वायर रूट ऑफ एन कैलकुलेट कर लिया, दैट इज एक्स, और एक काउंट लिया जो कि परफेक्ट स्क्वायर की काउंटिंग रखेगा। हमें जो डिवाइजर्स देखने हैं वो हमें अंडर रूट एन तक ही हमें फाइंड करने हैं, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया डिविजन और अंडर रूट एन तक मतलब एक्स तक हमने डिवाइजर्स चेक किए। अगर आई नंबर मेरा नंबर को डिवाइड करता है, मतलब कि एन मॉडुलस आई 0, इसका मतलब कि आई जो है वो एन को डिवाइड करता है, तो आई को हम इंक्लूड कर लेंगे डिवाइजर्स में और साथ ही साथ एन बाई आई को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन एन बाई आई को इंक्लूड हम तभी करेंगे जबकि आई और एन बाई आई दोनों इक्वल ना हो, जैसा कि हमने अभी देखा था कि 36 के केस में 6 मुझे इसका डिवाइजर मिला, आई की वैल्यू 6 है, एन की वैल्यू 36 है। जब हम 36/6 करेंगे मतलब एन बाई आई करेंगे तो भी ये 6 आ जाएगा, तो 6 को मुझे 2 बार इंक्लूड नहीं करना है, 6 को मुझे एक ही बार इंक्लूड करना है। तो अगर वाई इज नॉट इक्वल टू आई तभी हम वाई को इंक्लूड करेंगे, वाई का मतलब है एन बाई आई, उसको हम तभी इंक्लूड करेंगे जबकि वाई और आई दोनों अनइक्वल हैं, दोनों सेम नहीं है। फर्दर अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 है तो हमने आई की वैल्यू 2 ली है, इसको हम इंक्लूड कर लेंगे डिवाइजर में, और 36/2 मतलब 18 को भी इंक्लूड कर लेंगे डिवाइजर में। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 को भी इंक्लूड कर लेंगे और 36/3 12 को भी इंक्लूड कर लेंगे डिवाइजर्स में। फिर जब 4 होगी आई की वैल्यू तो 4 को भी इंक्लूड करेंगे और 36/4 9 को भी इंक्लूड कर लेंगे। फिर इसके बाद 5 हमारा नहीं है डिवाइजर, 6 को करेंगे तो केवल 6 को इंक्लूड करेंगे। तो डिवाइजर्स में 1 पहले से था, 2 और 18 आ गया इसके बाद, 3 और 12 आ गया इसके बाद, 4 और 9 आ गया इसके बाद, एंड देन 6 आ गया। तो ये मेरा डिवाइजर है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो जेड इज 2 स्क्वायर। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो जेड है क्या वो एन से छोटा है। अगर जेड हमारा एन से छोटा है तो फिर हम ये चेक कर लेते हैं कि जो जेड है क्या वो इवन नंबर है, क्योंकि हमें इवन ही परफेक्ट स्क्वायर्स फाइंड करने थे। और अगर जेड इवन है तो हमें अब ये चेक करना है कि क्या जेड एन को डिवाइड करता है। तो अगर जेड एन को डिवाइड करता है तो उस केस में हमने परफेक्ट स्क्वायर्स की काउंटिंग एक इंक्रीज कर ली। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
कि जेड हमने कैलकुलेट किया है आई इंटू आई, मतलब कि स्क्वायर इसका कैलकुलेट कर लिया। अगर आई इंटू आई डिवाइड करेगा एन को तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें और चेक कर लेनी चाहिए कि क्या जेड लेस देन एन है, मतलब कि हम केवल प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए चेक करना चाह रहे हैं। क्या जेड इवन है? तो अगर जेड लेस देन एन है और जेड इवन है तभी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया एन का जेड के साथ में। और अगर एन को जेड डिवाइड कर रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर एन को डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में हमने परफेक्ट स्क्वायर की काउंटिंग एक इंक्रीज कर ली। तो जब ये लूप फिनिश होगा देन हमारे पास एक डिवाइजर एरे होगा। उस डिवाइजर एरे में 8 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो हमने एंड में देखिए कि हमने एंड में एस इक्वल्स टू डिवाइजर्स का काउंट फाइंड कर लिया है, या डिवाइजर का साइज, डिवाइजर अरे का साइज। तो टोटल 8 मुझे मिला एस से। काउंट हमने ये ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया है। अब हमने क्या किया है कि काउंट और एस का, मतलब कि ये 8 और ये जो मुझे परफेक्ट स्क्वायर्स 1 मिले थे, ये काउंट की वैल्यू, सॉरी ये 8 मेरा एस है और काउंट की वैल्यू 1 है। तो ये दोनों प्राइम को प्राइम होने चाहिए। इस केस में ये पी है और ये क्यू है, तो ये हमारे को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने के लिए हमने सबसे पहले इसका जीसीडी कैलकुलेट कर लिया, पी और क्यू का जीसीडी, और मान लिया कि ये वैल्यू जी है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि जी से पी को डिवाइड कर दिया, मतलब कि पी इज इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई जी और क्यू इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई जी। तो इससे अब पी और क्यू दोनों को प्राइम्स हो जाएंगे। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। जो यहाँ पे पी क्यू है उसको हमने ऐसे माना है, डिवाइजर को हमने मान लिया है क्यू, और जो जी है उसको हमने मान लिया है पी, या पी हमारा जी है। तो सबसे पहले हमने एस इक्वल टू एस बाई जी कैलकुलेट किया, देन काउंट इक्वल टू काउंट बाई जी कैलकुलेट किया। तो जो काउंट की वैल्यू अब हो गई पी हो गई, और ये मेरा क्यू हो गया। ये जीसीडी नहीं है पी, ये जीसीडी तो हमने कैलकुलेट किया है। तो ये जो P है इसका, ये हमारा काउंट है और Q मेरा S है। तो अब हमें P बाई Q फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या काउंट की वैल्यू जीरो है। अगर काउंट की वैल्यू जीरो है तो हमने जीरो ही रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, ये हमें ध्यान देना है। आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो हमें एक स्ट्रिंग ही आउटपुट देना है। तो अगर काउंट की वैल्यू जीरो है तो हमने एक जीरो स्ट्रिंग हमने रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चूंकि इंटीजर वैल्यूज हैं तो इसको हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो एक टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, जिससे आप नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया, आप इसको पी मान लीजिए, और ये डिनोमिनेटर पार्ट हो गया टू स्ट्रिंग एस से, इसको आप क्यू मान लीजिए। तो फाइनली आपको क्या करना है कि पी बाई क्यू टाइप का आउटपुट जनरेट करना है। तो पी हमारा स्ट्रिंग बन चुका है। इसमें आपको डिवाइडेड बाई साइन को कॉन्कैटिनेट कर लीजिए, एंड देन इसके बाद इसमें क्यू साइन क्यू को भी कॉन्कैटिनेट कर लीजिए। तो आपको पी बाई क्यू जैसा स्ट्रिंग एक मिल जाएगा और उसी को आपको रिटर्न करना है। सो आंसर इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग है आंसर, ये न्यूमरेटर जिसको आप ऑलरेडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर चुके हैं, प्लस साइन लगाया, इसका मतलब आप कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, फिर डिविजन साइन डबल कोट्स में, एंड देन डिनोमिनेटर जो कि आपकी क्यू वैल्यू है, इसको भी आपने स्ट्रिंग ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, तो प्लस साइन लगा, तो ये इसको भी कॉन्कैटिनेट कर देगा। फाइनली आप आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये इसके टेस्ट केसेस को रन करके देखते हैं। सबसे पहले सैम्पल टेस्ट केस, आप देख सकते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस आपके सारे पास हो गए हैं। देन स्कोर को सबमिट करते हैं। यू कैन सी दैट ऑल द टेस्ट केसेस हैव गॉट पास। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को हमने सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है, सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। तो ये प्रॉब्लम हमारी मेहता एंड हिज लेजीनेस है, ये मैथमेटिक्स सेक्शन में नंबर थियरी की एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो हमने जीसीडी फंक्शन लिया है उसमें हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज किया है। आपको याद होगा कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है जीसीडी को फाइंड करने के लिए। तो ये फंक्शन आपको खुद से लिखना होगा। जीसीडी अगर हम फाइंड कर रहे हैं ए और बी का, तो अगर ए जीरो है तो बी को रिटर्न करना होगा, अगर बी जीरो है तो ए को रिटर्न कर दीजिए, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो जीसीडी ऑफ ए मॉडुलस बी बी फाइंड कीजिए, और अगर ए लेस देन बी है तो जीसीडी ऑफ ए बी मॉडुलस ए फाइंड कीजिए।
जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है वो रूटीन सब्सट्रैक्शन वाली एल्गोरिथम के कंपैरिजन में जल्दी हमें जीसीडी प्रोवाइड कर देता है, या ये कह सकते हैं कि जो ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो जल्दी जल्दी छोटी होती चली जाती हैं, जिससे कि हमें जीसीडी जल्दी मिल जाता है। सो आई होप आपको इस प्रॉब्लम समझ में आई होगी। वी विल मीट अगेन विद अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।